मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो आप लोगों को अच्छी लगेगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग देखना मेरी रेसिपी, आप लोगों को एक बार वीडियो को रेसिपी को पूरा देखना, आपको ज़रूर पसंद नहीं आए तो मेरी गारंटी है। आप लोग को बच्चे नहीं खाते हैं तुरैया वगैरह, तो वो कैसे बनाना है? कुछ नई रेसिपी है बच्चों के लिए है जो लोग, और हरी सब्जी तो खाना भी चाहिए, पर कुछ कैसे बनाएं वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। चलो चलते हैं। जी मैंने सामान लिया है, प्याज है, मूंगफली है, तुरैया है, रोस्टेड चने हैं। अब इनको अच्छे से साफ कर लेंगे। ये रोस्टेड को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और इसको मैं अभी एक तरफ रख दूंगी। अब मैं खड़े मसाले लूंगी। इसमें लिया है मैंने धनिया, खड़ा धनिया, ये देखो आप देख सकती हो। हल्का सा रोस्ट करना है, इससे इसकी खुशबू बाहर निकल के आती है। मूँगफली है, दो तेज पत्ती है, लाल मिर्ची है। आप इसमें काजू भी डाल दो, या मूँगफली हो तो मूँगफली भी डाल सकते हो। जी मैंने रोस्ट करके ठंडा कर लिया है, आप देख सकते हो। अब मैं इसको एक ग्राइंडर लूँगी, उसमें जो मैंने चने रोस्ट किए थे वो भी इसी में पीस लूँगी, पाउडर पेस्ट बना लूँगी, और इसमें खड़ा मसाला भी बना लूँगी। इसी में मैंने नमक डाला था, वो मैं बाद में बताऊंगी कैसे डालना है। ये मैं अच्छे से इसको बारीक, इसमें हो गया और ठंडा भी कर लिया है। ये देखो आप, मैंने बारीक फेस पाउडर जैसा बना लिया है, महीन, आप देख सकते हो कितने अच्छे, पता भी नहीं पड़ रहा है। इसको एक कटोरी में ले लिया, उसमें नमक डाल लिया है मैंने, क्योंकि मिर्ची तो उसमें पहले से ही है तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका एक थोड़ा बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है आपको, उंगली से लगाना है, इसीलिए बीच का रखना है। देखो पेस्ट तैयार हो रहा है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, और कोई कमी हो तो भी बताना। जी देखो मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है अच्छे से मिला के। अगर आपके पास नहीं चम्मच से भर सहायता से हैं तो पतला कर सकते हो, नहीं तो हाथ से ही बनना, उसमें हाथ से अच्छे से भर जाएगा। जो मेरा पेस्ट तैयार हो गया है, इसको मैं एक तरफ रख दूंगी। अब मैंने ये ले ली है तुरैया, जो मैंने छील के और अच्छे से बॉस करके काट के रख लिया। अब मैं इसमें से दो भाग करूंगी। दो भाग करके देखो आपको ऐसे करके ऐसे निशान लगानी है, ऐसे करके और ऐसे आप निशान लगा लीजिए, तीन चार लगा लीजिए। ये देखो फिर हम इसमें मसाला भरेंगे आराम से, हम आपको करके दिखाएंगे कैसे करना है। ये देखो ऐसे करके और इसमें मसाला भर के फिर मिलते हैं आपसे। ये देखो मैंने सबको काट लिया है ऐसे ही, और अब जो मसाला है वो मैं भर के बताऊंगी आपको कैसे भरना है। ऐसे हाथ से भर लीजिए, अच्छे से भर जाएगा। देखो उंगली की सहायता से ऐसे ही करके सबको रख लीजिए आपको। ये देखो, और फिर हम इनको फ्राई पैन पे तवे पे सेकेंगे। ये देखो जी मैंने सारे कर लिए हैं आपके सामने। देखो ये मैंने पूरे तैयार करके रख लिए हैं। अब मैं चलते हैं गैस की तरफ, जो मैंने पहले से ही फ्राई पैन को गर्म करके रखा है, और अब मैं इस पर हल्का फ्राई कर लूँगी एक चम्मच तेल में। और ये मैंने फ्राई करके पलट दिए, फ्राई हो चुके हैं मेरे। अब चलते हैं। अब ये कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने दो चम्मच तेल डाला है, और उसमें मैंने ये जो प्याज के जो मोटी बड़ी बड़ी या ऐसे प्याज काटी है उसको मैं अलग से सेक के रख लूँगी। आप इसमें शिमला मिर्ची भी ले सकते हो, उनको भी हल्का सा फ्राई करके और निकाल लीजिए। उसी में मैंने दो चम्मच तेल और डाल दिया है, ये देखो आपके सामने। और अब मैं इसमें ग्रेवी बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने डाला जीरा, लहसुन जो मैंने बारीक चॉप करके रख लिया था, और मैं लहसुन को अच्छे से सेकने दूंगी जब तक। देखो आप देख सकते हो मेरा कैमरा हिल रहा है, सॉरी उसके लिए। और लहसुन अच्छे से हो गया है, मैंने उसमें प्याज हरी मिर्ची डाल दी है, और उसी में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी। अब जो मैंने कचौरी ली थी, जो मसाला बचा है उसी का मैं
घोल बनाऊंगी। इसी में मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और सब मिला दूंगी। आपके सामने देखते हैं, ये मसाला है। इसमें मैंने देखो नमक ले लिया है ग्रेवी के लिए, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर 2 चम्मच, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी में धनिया, और ये लाल मिर्ची है, मैंने कुटी हुई वाली ली है। अगर आपको कलर वाली अच्छी लगती है तो कलर वाली, ये हल्दी है, और इनका मैं सबका पेस्ट तैयार कर लूँगी आपके सामने। मैं पेस्ट तैयार करके, मेरी प्याज तैयार सीख चुकी है, गोल्डन हो गई है, और ये मैंने घोल बनाया था वो भी मैं इसी में डाल दूँगी और घोल को तैयार करूँगी अच्छे से। आप देख सकते हो कितने अच्छे से कलर आ रहा है, और हमारी सब्जी रेडी हो गई। ये हमारी सब्जी देखो, मसाला तैयार हो गया, और जो मैंने प्याज को अच्छे से हल्का सा मुलायम होने तक सेक के रखा था वो भी हो गई, और जो मैंने फ्राई करके तुरैया रखी थी वो भी हो गई। आप देख सकते हो मेरी सब्जी बनके रेडी हो गई। आप लोग देखने में ही सोचेंगे कितनी अच्छी लग रही है, कलर आ गया। हाँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करो मेरी रेसिपी को। देखो कितना अच्छा कलर आया है, ग्रेवी भी है। हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है, सब्जी बनके। आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं नेक्स्ट में मेरा वीडियो बनाने का मन भी करता है कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट करते हैं, तो मैं आप लोग के लिए, आप सपोर्ट नहीं करते तो मन थोड़ा दुखी हो जाता है कि जब आप